एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज मैं आपके लेकर आई हूँ बेली फैट के लिए एक बहुत ही अमेजिंग बेड टाइम ड्रिंक। और क्यों मैं इसे बेस्ट बता रही हूँ, क्यों इसे सबसे अमेजिंग बता रही हूँ, उसका रीजन ये है कि बेली फैट के जितने भी कॉजेज होते हैं उन कॉजेज को डायरेक्टली ये टारगेट करते हैं। जो इसके अंदर मैंने इंग्रीडियंट्स को यूज किया है दे आर वेरी पावरफुल, और अगर हम इन्हें कंबाइन करते हैं तो यूनानिमसली यानी एक सिनर्जी में ये काम करेंगे और एक एक चीज को जो कॉज हो सकते हैं बेली फैट के लिए उन्हें ये रिजॉल्व करेंगे। सो बेली फैट का क्या कारण होता है? बेली फैट का सबसे बड़ा जो आजकल कारण है वो है इनडाइजेशन। योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट गुड, फूड का अब्जॉर्प्शन ठीक नहीं है, न्यूट्रिशन का अब्जॉर्प्शन ठीक नहीं है। उसके अलावा सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है स्ट्रेस, स्ट्रेस के बाद हार्मोनल बैलेंस एंड स्लीप। तो ये सारी चीजों को टैकल करने के लिए ये एक जो टी है वो एक रामबान का काम करेगी। तो पिछले कुछ टाइम से आई हैव बीन शेयरिंग दिस रेसिपी, आई हैव शेयर्ड दिस रेसिपी विद अ लॉट ऑफ माय क्लाइंट्स रिसेंटली, एंड आफ्टर रिसीविंग पॉजिटिव फीडबैक आई थॉट कि मुझे जनरल लोगों के साथ भी ये शेयर करना चाहिए, बिकॉज अगर उनके लिए इतनी ज्यादा बेनिफिशियल रही है तो आई एम श्योर ये आपके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स पे नजर डालते हैं और फिर बात करेंगे कैसे बनाना है इसे। सो इस बेड टाइम ड्रिंक को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो है एक छोटा टुकड़ा जिंजर का। जिंजर जो होता है किसी भी तरह की डाइजेस्टिव इश्यूज को रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। पिंच ऑफ ऑर्गेनिक टर्मरिक मसल्स के लिए, हार्मोनल बैलेंस के लिए और बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसके लिए टर्मरिक जो है वो बहुत अच्छी होती है। चार टुकड़े ब्लैक पेपर के। नाउ ब्लैक पेपर को जब आप कंबाइन करते हैं टर्मरिक के साथ यानी हल्दी के साथ तो उसका अब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर 2000% बढ़ जाता है। सो पेपराइन जो होता है ब्लैक पेपर में एंड जो टर्मरिक में कर्क्यूमाइन होता है उसका कॉम्बिनेशन बहुत ही पावरफुल होता है। फेनल सीड्स यानी सौंफ मैंने लिया है, अगेन फॉर योर डाइजेस्टिव हेल्थ, दे आर अमेजिंग, ल्यूब्रिकेट करते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को। पिंच ऑफ ब्लैक सॉल्ट। नाउ आपने सॉल्ट के बारे में सुना होगा, पानी में डाल के लोग लेते हैं एज अ सॉल्ट फ्लश, तो उसी तरह का काम करेगा लेकिन ये इसकी पोटेंसी को काफ़ी इंक्रीज कर देगा। और यहाँ पर मैंने काला नमक लिया है। 1.5 चम्मच मैंने कैमोमाइल टी ली है, ये रिलैक्स करेगी आपके ब्रेन को। और बहुत ज़्यादा और भी बेनिफिट्स होते हैं इंक्लूडिंग अगर आपको मेंस्ट्रुअल पेन होता है तो उसे भी रिड्यूस करने में, हार्मोनल बैलेंस के लिए भी अच्छी होती है। 1 टीस्पून वर्जिन कोकोनट ऑयल। नाउ दिस विल हेल्प यू टू लुब्रिकेट योर स्टमक, स्पेशली जिन लोगों को स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता या फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, दिस इज़ द इंग्रीडियंट जो उसको रिड्यूस करने में, क्योर करने में हेल्प करेगा। अगर आपको कोकोनट ऑयल पसंद नहीं है तो यहाँ पर उसका सब्स्टिट्यूट आप ले सकते हैं, दैट इज़ देसी काउ का घी उतनी ही क्वांटिटी में। अगर हार्मोनल बैलेंस है, अगर आपको PCOS PCOD है तो शतावरी का पाउडर आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। और हनी मैंने यहाँ पर लिया है वाइल्ड हनी, वो भी ऑप्शनल है, जस्ट बिगनिंग में टेस्ट को अडेप्ट करने के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और मैं उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो एक एक जो इसका इंग्रेडिएंट है वो बहुत ही पावरफुल है, चाहे वो कैमोमाइल टी हो, चाहे वो हल्दी हमने यहाँ पर यूज की है, हल्दी के साथ हमने ब्लैक पेपर यूज किया है। हाँ, अगर आपको हार्मोनल बैलेंस की वजह से यानी अगर आपको PCOD PCOS की वजह से या इरेगुलर पीरियड्स की वजह से बेली फैट है तो आप एक और चीज इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, वो है 1/4 या 1/8 to 1/4 टीस्पून ऑफ शतावरी पाउडर। उसके बारे में डिटेल में मैंने अपने दूसरे चैनल पर पूरा इन्फॉर्मेशन दी थी ऑन फिट फूड फ्लेवर्स, तो वहां पर उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं और फिर कैसे लेना है, कब लेना है एग्जैक्टली उसके बारे में बात करेंगे। इस टी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पैन में 2 कप पानी लिया है, तो ये 2 लोगों के लिए अमाउंट जो है वो पूरा है। अगर आपको 1 पर्सन के लिए बनाए तो आप हर चीज को हाफ कर दीजिए। नाउ आई प्लेस द पैन ऑन हीट, और जब ये थोड़ा थोड़ा बॉयल होने लगेगा मैं इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने लगूंगी। तो मैंने सबसे पहले फेनल सीड्स, कैमोमाइल टी, काली मिर्च, अदरक, हल्दी, ब्लैक सॉल्ट ऐड कर दिया है।
जब इसमें एक बॉईल आ जाएगा तब मैं इसमें कोकोनट ऑयल ऐड कर दूंगी और इसे बहुत अच्छी तरह हमें मिक्स करना है। उसके बाद इमीडिएटली हम गैस बंद कर देंगे और पैन को कवर कर देंगे। नाउ इसे एक से दो मिनट तक हमें छोड़ देना है और सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं और अच्छी तरह इन्फ्यूज हो जाएंगे उस टाइम में और फिर हम इस टी को स्ट्रेन कर लेंगे। तो मैंने छान लिया है 2 कप में। इसमें आप हनी ऐड कर सकते हैं। हनी ऑब्वियसली छोड़ने के बाद टेम्परेचर थोड़ा लोअर डाउन हो गया है तब हम इसमें हनी ऐड कर देंगे और फिर आपको इसे वार्म कंज्यूम करना है, इसे ठंडा नहीं कंज्यूम करना है, आपको इसे गरम गरम ही कंज्यूम करना है क्लोज टू बेड टाइम। दिस रेसिपी सर्व्स 2 पीपल। तो इसे बनाना बहुत आसान है और आपके स्टमक को लुब्रिकेट करेगा, डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, इसके साथ साथ आपकी मसल्स को रिलैक्स करेगा। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इन डिटेल उसके बारे में बात करते हैं। बेनिफिट्स की बात करूँ तो कोई भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर अगर आपको है, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे वो एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, ब्लोटिंग है, गैस है, उसे रिड्यूस करने में ये टी बहुत हेल्प करेगी। इट विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप, रिलैक्स करेगी मसल्स को, ब्रेन को, इन्फ्लेमेशन अगर आपको है बॉडी के अंदर उसे रिड्यूस करने में हेल्प करेगी। दिस टी इज़ लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट्स, इसके अंदर बहुत सारी डिटॉक्सिफिकेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये लुब्रिकेट करेगी आपके इंटेस्टाइन को, इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन बैलेंसिंग योर हॉर्मोन्स और साथ ही न्यूट्रिशनल अब्सॉर्प्शन को भी इंक्रीज करने में हेल्प करेगी। नाउ आप में से कई लोग होंगे जो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे होंगे, ऐसे में क्वेश्चन ये है कि क्या हम उसे पहले इंक्लूड कर सकते हैं। सो बेसिकली वैसे तो आप ऑब्वियसली इसके अंदर हनी है, इसके अंदर कोकोनट ऑयल है, उसकी वजह से ये थोड़ा सा कैलोरी में हाई है, सो यू कैन नॉट एग्जैक्टली टेक इट इन योर फास्टिंग विंडो। तो जब आप डिनर अपना फिनिश कर लेंगे उसके 15 से 20 मिनट के बाद आप ये टी कंज्यूम कर सकते हैं। सो इवन इफ इट इज 2 to 3 hours बिफोर योर बेड टाइम, दैट इज कम्प्लीटली ओके, दैट इज कम्प्लीटली फाइन, उसके बाद भी ये उतनी ही इफेक्टिव रहेगी। लेकिन अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं या आपका विंडो जो है वो स्लाइटली क्लोज है सोने से पहले, तो ट्राई करें कि सोने से विद इन 1 hour पहले आप इसे ले सकते हैं। बिल्कुल सोने से पहले लेंगे तो ऑब्वियसली कई लोगों को स्टमक हैवी हो जाता है, देन दे हैव टू गो टू द वॉशरूम, सो इन दैट केस टू अवॉइड द सिचुएशन कि आपको वॉशरूम जाना पड़े, यू कैन हैव इट 30 minutes बिफोर योर बेड टाइम और 1 hour बिफोर योर बेड टाइम, एंड इन केस ऑफ इंटरमीडिएट फास्टिंग 2 hours बिफोर योर बेड टाइम, दैट विल बी परफेक्टली फाइन। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डू ट्राई दिस, हाईली रिकमेंडेड। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर। स्टे विद मी, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड स्टे हैप्पी। आई बी बैक वेरी सून विद अनदर हेल्दी इंटरेस्टिंग वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।